नमस्कार किसान भाइयों, आज हम डॉक्टर सर से जानते हैं कि अगर कोई पशु 20 लीटर दूध देता है तो उसको कितनी फीड की जरूरत होती है। सभी किसान भाइयों को पहले तो मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार योगी, PhD एनिमल न्यूट्रिशन, बेहतर जिंदगी और आशीष फीड की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैडम ने पूछा कि एक 20 लीटर का पशु है तो उसको कितना फीड देना चाहिए, इससे पहले हम ये जान लें कि पशु को फीड की या कोई भी पोषक तत्वों की जरूरत क्यों होती है। तो मान लो कि कोई पशु 20 लीटर दूध देता है और उसका कुछ वजन भी होगा कि लगभग जैसे 500 किलो वजन है, तो उसको दो चीज़ों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो मेंटेनेंस यानी कि खुद के शरीर के रखरखाव, दूसरा प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन के लिए। मेंटेनेंस की हम बात करें तो जैसे कि 500 किलो का पशु है तो 2% वजन के हिसाब से, शरीर के वजन के हिसाब से उसको मेंटेनेंस के लिए ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर 500 kg का पशु है तो 2% के हिसाब से 10 किलो ड्राई मैटर उसको अपने शरीर के रखरखाव के लिए चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की यानी कि दूध उत्पादन की। अगर वो पशु 20 लीटर दूध देता है तो अगर इसकी ड्राई मीटर की गणना हम कैसे करेंगे कि 1/1/3 भाग दूध का, यानी कि 20 लीटर देता है तो 6.7 किलो ड्राई मीटर उसे दूध उत्पादन के लिए चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 16.7 किलो दूध उत्पादन और शरीर के रखरखाव के लिए उसको ड्राई मीटर चाहिए रहता है। तो अब इसको कैसे हम पूरा करें, तो एवरेज से हम बात करें तो कोई भी अच्छा फीड जिसमें 20 से 22% का प्रोटीन हो और 1.7 मेगा कैलोरी नेट एनर्जी हो और अन्य पोषक तत्व हो, तो वो एवरेज से 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें देना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको 7 से 8 किलो फीड की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ फीड से ही काम नहीं चलता, इसके साथ साथ बाकी चीज जैसे कि हरा चारा और भूसा भी उतना जरूरी है। तो इस पशु को कितना हरा चारा देना चाहिए, तो जो 20 लीटर दूध दे रहा है उसको कम से कम 35 से 40 किलो हरा चारे की आवश्यकता होगी और साथ ही 1 से 2 किलो भूसा, तूड़ा जिसको हम व्हीट स्ट्रा बोले, अंग्रेजी में व्हीट स्ट्रा बोलते हैं, भूसे की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम एक 20 लीटर दूध देने वाले पशु और जिसका वजन 500 किलो है तो सारे पोषक तत्वों की जरूरत पूरी करेंगे तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से उच्चतम दूध देगा। धन्यवाद सर हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी देने के लिए।